बाइलिंगुअल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूँ एमएम आलम। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ होम साइंस के एग्ज़ाम का आंसर की, ऑब्जेक्टिव्स का आंसर की, जो अभी सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है 2020 में और किसी का होना बाकी है, तो उसके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अपना आंसर मिला लें कि आपने कितना सही मारा है, तो ये आपके फाइनल एग्ज़ाम का दिशा निर्देश करता है। और साथ में ये बहुत सारा क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में ही पूछ लिया जाता है, तो इस वजह से वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए मेहमान हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन अंतःस्रावी प्रणाली की ग्रंथि नहीं है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? वैसी ग्रंथि जो अपने हार्मोन सीधे रक्त धारा में छोड़ देती है, ठीक है, रक्त धारा में छोड़ देती है, इसको कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो यहाँ पर देखिए आपका थायराइड है, पीयूष ग्रंथि है, अग्नाशय भी है, लेकिन लार ग्रंथि जो है ये अपना जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट है हार्मोन रक्त धारा में न छोड़ करके ये भोजन को मुलायम करने के लिए, भोजन को गीला करने के लिए हमारे मुंह में जो निकलता है लार, वो लार ग्रंथि से निकलता है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि जो है गले के पास पाया जाता है, जिसको वृद्धि ग्रंथि या वृद्धि हार्मोन यही छोड़ता है, तो ये वृद्धि के लिए ये ग्रंथि जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि केवल स्त्रियों में पाई जाती है? देखिए इसको क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, थायराइड पिट्यूटरी एड्रेनल, तो यहाँ पूछ रहा सिर्फ स्त्री में। तो देखिए एक यहाँ से पकड़ सकते हैं कि ओवेरी जो है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाशय, ये सिर्फ है जो है आपको स्त्रियों में पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, डिम्बवाही नली की संख्या स्त्रियों में कितनी है? तो आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी, डिम्बवाहिनी नली की जो संख्या होम साइंस में भी है, तो जो आपका ओवेरी होता है, तो देखते होंगे कि ओवेरी जो है आपका दोनों इधर से और इधर से ये जो मिला रहता है ओवेरी में, ये इधर ये इधर, यही है आपका डिम्बवाहिनी नली, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स। तो ये दोनों साइड में होता है, इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दैनिक कार्य व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत नहीं आता है, पूछ रहा है। तो ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि नहीं आता है, ब्रश करना, स्नान करना, हाथों की सफाई करना, ये दैनिक के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर आप बात कर लिया जाए बर्तन की सफाई, तो ये है ना व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम सही आंसर मिलेगा यहाँ पर आपको। चैनल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के और अच्छे से अच्छे वीडियो को मैं आप तक प्रस्तुत कर सकूं। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत क्या गतिविधियाँ चल रही है? तो शौचालय बनाना चल रही है, सार्वजनिक स्थलों को साफ करना भी चल रहा है, जो मोदी जी द्वारा जो है चलाया गया है, सड़कों पर कूड़ा नहीं फेंकना, ये सब तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्वास्थ्य की समस्या किस कारण से है? तो स्वास्थ्य की समस्या बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण की समस्या, संक्रामक रोग की समस्या, तो क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? क्वेश्चन पहले ही पूछा गया, तो वातावरण एवं वन मंत्रालय जो है इनके द्वारा स्वच्छ अभियान शुरू किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक है? जल मनुष्य के लिए हानिकारक है, पेड़ पौधे के लिए हानिकारक है, पानी में रहने वाले जीव के लिए हानिकारक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो आहार आयोजन परिवार के सदस्य संख्या कम बेस होती है प्रभावित होगा, लिंग औरत मर्द ये प्रभावित होता है, आयु बच्चा बूढ़ा जवान ये प्रभावित होता है, तो कुल मिलाकर के आपका इनमें सभी हो जाएगा, सभी से प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है। निम्नलिखित में से कौन भोजन संरक्षण का कारण नहीं है? भोजन को अधिक समय तक रखने के लिए संरक्षण इसके लिए होता है, बर्बादी से कम करने के लिए ये भी होता है आपका, आपातकालीन आवश्यकता को के लिए ये भी होता है कि आप भविष्य में जो बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, उससे आपातकालीन स्थिति में, लेकिन खाना पकाने से बचने के लिए नहीं है, ये तो कामचोर का हो गया, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रसव के दौरान होने वाली परेशानी नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो अधिकतम रक्तस्राव, मतलब ब्लडिंग का अधिक होना, ये सही है, होता है, पानी की थैली का फटना ये भी होता है, स्तनपान ये परेशानी नहीं है, इससे माता को प्रसन्नता मिलती है, ठीक है, संतुष्टि मिलती है,
वही हो जाएगा। प्रसव उत्तर मतलब कि आफ्टर डिलीवरी कितना अवधि है, प्रसव उत्तर की अवधि कितनी है, मतलब कितने दिन तक प्रसव उत्तर पाई जाती है। तो इसका सही आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए, इसका आंसर देखिए आप क्या होता है, लेकिन मेरे ख्याल से होना चाहिए आपको प्रसव के उत्तर ये 45 दिन होना चाहिए, लेकिन आप इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन, निर्जलीकरण होने पर बच्चों को क्या पिलाया जाता है? निर्जलीकरण मतलब जल की कमी होना शरीर में, तो किसी भी बच्चे या सियाना को ORS का घोल पिलाया जाता है ताकि उसकी जल की पुनःपूर्ति आसानी से हो जाए। आंतरिक सज्जा की अभिव्यक्ति है रुचि, कौशल, धन का सदुपयोग, ये सभी हो जाएगा आंतरिक सज्जा। नीला रंग है, तो नीला रंग क्या है, तो आपको आपने पढ़ा होगा नीला रंग जो है ये ब्लू जिसको कहते हैं, RGB पढ़ा होगा, तो ये रेड ग्रीन ब्लू जो है ये प्राथमिक रंग है, क्या है आपका प्राथमिक रंग है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन मध्यवर्ती मतलब मध्यवर्ती रंग नहीं, मतलब दो रंग मिलकर तीसरा, तो पीला हरा मध्यवर्ती रंग है, नीला हरा भी है, लाल पीला भी है, लेकिन लाल बैंगनी जो है मध्यवर्ती नहीं है, यहाँ नहीं पूछ रहा इसलिए आंसर यही होगा। अवधि के आधार पर निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार है? तो दैनिक बजट होता है, वार्षिक बजट होता है, साप्ताहिक बजट मतलब कोई एक दिन का बजट बनाता है, कोई सप्ताह का बजट बनाता है, कोई वार्षिक बजट, तो इसमें क्या हो जाएगा इनमें से सभी है। चलिए, कैल्शियम का स्रोत है, कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत दूध माना जाता है, लेकिन दही भी कैल्शियम का स्रोत है, पनीर भी, ये सब दूध से ही बनता है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, निम्न में से कौन उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, निवारण का अधिकार, मनोरंजन का अधिकार नहीं है, मनोरंजन लीजिएगा उपभोक्ता होकर के, ये जरूरी नहीं है। निम्न में से किस पदार्थ पर एक मार्क का चिन्ह होता है? तो एक मार्क जैम, अचार, शरबत में PFO मार्क होता है, क्या होता है PFO, लेकिन जो एक मार्क है इसमें किसमें होता है वो सरसों तेल पे। इसी तरह और क्वेश्चन है, देखिए किस उत्पाद पर ISI तो मतलब लोहे से बने उत्पाद पे होता है, तो इसलिए यहाँ आयरन लिखा है, आयरन माने लोहा हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से कौन जल प्रदूषण होने वाली बीमारी नहीं पूछ रहा है, क्या करा नहीं, टाइफाइड, पेचिस, हैजा, या तीनों होता है, क्षय रोग, TB जो है ये वायु प्रदूषण से होता है। ठीक है, निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है? सबसे अच्छा साधन का है क्या है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जो है, इससे आपको इनकम टैक्स में छुटकारा भी मिलता है और साथ में आपका पैसा बचत भी होता है, सोना मकान जमीन खरीदिएगा तो इनकम टैक्स लगेगा ही, चलिए इसलिए अच्छा साधन राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र है। वस्त्र की धुलाई का प्रथम चरण क्या है? तो वस्त्रों की धुलाई में सबसे पहले मरम्मत किया जाता है, वस्त्र अगर फटा है तो उसको मरम्मत करना, तब जा करके आपको उसको धोना, तब धब्बा दड़ाना, छुड़ाना या आयरन करना बाद में आता है। अगला, वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो बाह्य आकृति वस्त्र कैसा दिखता है, रंग भी प्रभावित करता है कि आप कैसे, आपका आकृति कैसा है, आपका रंग कैसा है, कपड़ों की गुणवत्ता, ये भी करता है कि है नहीं, तो इनमें से सभी हो जाएगा, सब चीज़ करता है कपड़े को प्रभावित खरीदने में। निम्न में से कौन सा रोग वायु प्रदूषण के कारण होता है? अस्थमा जो है जिसको मतलब दम फूलना, दमा भी कहते हैं इसको, तो ये है मधुमेह, टाइफाइड, पीलिया, ये सब आपका वायु प्रदूषण से पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा अस्थमा, दम फूलना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देती है? तो देखिए जीवन बीमा करते हैं, निवेश आयकर में छूट दी जाती है, सावधि जमा मतलब फिक्स डिपॉजिट करते हैं, अब राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र लेते हैं, ये तीनों में दिया जाता है, भविष्य निधि जो है प्रोविडेंट फंड, ये होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको अगर सावधि जमा लगता है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेशमी वस्त्रों की धुलाई का अंतिम चरण क्या होना चाहिए? तो रेशमी कलफ करना जो है इसका अंतिम चरण होता है, रेशमी वस्त्र के बारे में पूछा जा रहा है। टिटनस से बचाव के लिए बच्चे को कौन सा टीका दिया जाता है? तो ये DPT, डिफ्थीरिया, प्रोटोसिस और टिटनस के लिए दिया जाता है। अगला है, खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है? देखिए स्वास्थ्य अगर आपका खराब है तो इससे प्रभावित हो सकता है, स्वच्छता नहीं है तो प्रभावित हो सकता है, आपकी आदत खराब है, खाना बनाते बनाते नाक में उंगली डाल रहे हैं, लेकिन आप स्टाइलिश हैं या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा स्टाइल। संतुलित आहार ग्रहण नहीं करने से शरीर का पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर आपका शक्ति क्षीण हो जाएगा, भार में कमी हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी, मतलब इनमें से सभी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, निम्न में से कौन मानवीय साधन है? सामुदायिक सुविधा जो है या आपको सामाजिक साधन है, घर जो है आपका, ये आपको है ना, ये क्या है, थिंग्स है, पैसा भी एक थिंग्स है, भौतिक साधन है ये घर जो है, परिवार क्या है आपका, मानवीय साधन है, फैमिली। कौन सा कारक वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करता है? व्यक्तित्व,
आप व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा, पर्सनालिटी कैसा है, कौन से अवसर में पहनना, शादी में कि विवाह में पहनना, कि मरकी में पहनना, उम्र कितना है आपका, बूढ़ा बच्चा, तो ये सभी हो जाएगा। कुपोषण का कारण है गरीबी, अशिक्षा, ज्ञानता, इनमें सभी। देखिए कुपोषण का मेन कारण क्या होता है कि आपको गरीबी होता है, लेकिन अशिक्षा की वजह से भी हम लोग कुपोषण का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ खाना चाहिए वो ना खा कर दूसरा खा रहे हैं। अज्ञानता की वजह से, जब अशिक्षा नहीं रहेगा तो अज्ञानता भी हो जाएगा, ज्ञान नहीं होने की वजह से कुपोषण, खाली एक ही तरह का भोजन करते हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, लेकिन मेन काउज जो है वो गरीबी है कुपोषण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता का अर्थ है उपभोग करने वाला, जो किसी वस्तु का उपभोग करता है उसे उपभोग करते हैं उपभोक्ता। धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, देखिए भिगोना, भिगोया जाता है, ठीक है, उसको सुखाया जाता है, भिगोने के बाद उसको निचोड़ा जाता है, इस्त्री करना धुलाई की में नहीं आता, ये बाद में आता है। तो चलिए, रेशमी वस्त्रों की धुलाई का अंतिम चरण क्या होना चाहिए, तो कलफ लगाना एक क्वेश्चन पहले भी था। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कपड़े को धोने में सर्वाधिक खपत किसकी होती है, तो सर्वाधिक खपत पैसा, साबुन, डिटर्जेंट, ऊर्जा, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऊर्जा का खपत होता है, वॉशिंग मशीन में भी बिजली लगता है। निम्न में से कौन अपमिश्रण का कारण है, नैतिकता का पतन, मुनाफे कमाने का लालच, उपभोक्ता की अज्ञानता, तो ये सारा चीज़ हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 41 नंबर, विषाक्त भोजन मतलब जहरीला भोजन करने के बाद क्या लक्षण दिखाई देता है, जैसे ही आप भोजन विषाक्त कीजिएगा फूड पॉइजनिंग आपको होगी, ठीक है, क्या होगी, फूड पॉइजनिंग होगी तो आपको क्या होगा, वोमिटिंग होता है, जी मचलता है आपका, आपको पेट खराब हो जाएगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग आहार संरक्षित करने के लिए किया जाता है, तो देखिए आप जैसे अचार बनाते हैं उसमें नमक तेल डाला जाता है, उसी तरह बहुत सारा मीठा अचार जो होता है उसमें चीनी डाला जाता है, तो बहुत सारी चीज़ों को चीनी के रस में डाल कर रखा जाता है, बहुत सारे को नमक तेल आदि में, तो इस वजह से इनमें से भोजन को संरक्षित करने के लिए मतलब बचाने के लिए आप क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।